ओके हरनेर ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾ ਸੈਨੂਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਈ ਕਾਕੋ ਦੀਦੀ ਅੰਜਾ ਪੀਜਾ ਸੁਣੇ ਕੈਮਰਾ ਆਈ ਜਾ ਸੁਣੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਲਾਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਬੜਾ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਲਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਲਾ ਜੋ ਮਾਰ ਪੜਨੇ ਨੇ अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण प्यारी अज डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिंह यह कहना दाता सब थायो है दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थायो है सहाय दसा पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी इन माणिया के मां नेता नेता ਨਿਹੋਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਫਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਸੇ ਕਰਨ ਮੇਲ ਕਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ बोले सोनिहार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वो लेके साथ में आए हैं जैसे ट्रिपलेट एंटरटेनमेंट यूके से हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे वेब सीरीज़ कर रहे हैं अच्छी अच्छी जैसे सुनील ग्रोवर का शो भी वो हमारे थ्रू है और हम चार जन हैं चार यार एंटरटेनमेंट जिसमें सनमीत कौर को तो सब जानते हैं मैं इसका पर्सनल हस्बैंड हूँ सो मैं पिछले 20 साल से आई एम इनटू एक्टिंग एंड शी इज़ सीजन 6 की विनर जो 5 करोड़ जीता था ये अपनी भावना जो कि बहुत ही टैलेंटेड है ये हर चीज़ से बात ही ये अपना विक्रम जो कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ शिफ्ट हुआ ही इज वेल ट्रेंड टू एक्टिंग एंड एवरीथिंग सो हर एक अलग अलग क्वालिटी है बग से हमारी मंजू जो कि बहुत टैलेंटेड राइटर भी है प्रोड्यूसर भी है तो हम सब प्रोड्यूसर्स साथ में हैं कि एक अच्छा हम चीज़ सब प्लेटफॉर्म में ला सकें किसी के पैसे साथ में किसी का टैलेंट साथ में तो वो बात है और यू नो किस तरीके का कंटेंट होने वाला है प्रोडक्शन हाउस है तो किस तरीके के कंटेंट पर फोकस करने वाले हैं आप लोग इसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सो इट विल बी लाइक एवरीथिंग हम करेंगे हम जो है बेसिकली जो भी है प्लेटफॉर्म आपके इंटरनेट हो गया बॉलीवुड फिल्म्स होगी वो सब हम करने वाले इवेंट सब हम कर रहे हैं और ऑलरेडी स्टार्टेड भी है हमारा ये काम एक वेब सीरीज जो हमारी बहुत अच्छी आ रही है वो है आई मी माई माइंड वो भी हमारी शुरू हो चुकी है इन्होंने अभी प्रोड्यूस की है होली खाओ वो भी आ रही है और ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम शुरू करें मालिक की कृपा से वो पहले शुरू करके हमने ये ऑफिस के सामने इकट्ठे हुए क्योंकि सब लाइक माइंडेड हैं जैसे ये यूके से हैं बड़े सिंपल से बंदे हैं ऑफकोर्स पैसा भी ला रहे हैं कौन सो इसलिए हमारे साथ ज़्यादा लाइक माइंडेड है तो हम सारे इकट्ठे हम होके हमने ये तीन प्रोडक्शन हाउस हमारे जॉइंट वेंचर है ओके सो किस तरीके से आइडिया आया सबका साथ में होना कैसे किस तरीके से पॉसिबल हो पाया इसका जवाब तो मैं ही दूंगा क्योंकि आप पहले के मैंने नहीं दिए जवाब ये
विक्रम के साथ मेरा बहुत प्यार हुआ, हमने एक फिल्म की थी साथ में जिसमें ये विलन बना था, लेकिन मेरा बहुत प्यारा दोस्त बन गया है। तो हमने सोचा हमें कुछ साथ में करना चाहिए, तो पहले हम दो जुड़े, इसने भी बोला करो क्योंकि देखो कुछ पैसा तो इसके पास भी है जो अमिताभ बच्चन जी से लेके आई थी। मंजू ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, पता नहीं क्यों, ये मुझे बहुत लाइक करती, कहती मनमीत जी आप अच्छे इंसान हो, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं, बट बीवी ने भी बोला कि आप हो, तो वो सही बोल रही होगी। सो हम किसी जगह मिले थे, हमारा काम नहीं हो पाया था, लेकिन हम मिले, हमें अच्छा लगा, तो हम साथ में हुए। ये इन्होंने बहुत प्यार दिया, ये और दो जन हमें साथ में मिले थे, इन्होंने, ये मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरी कुछ 75 फिल्म्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो शॉर्ट फिल्म जो आ चुकी हैं, तो ये बड़े फैंस हैं। तो इन्होंने, ये हमारे साथ आए, कहते हैं हमें भी आना है बॉलीवुड में। सो मैंने, विक्रम ने विचार किया, मंजू ने भी, हमें चाहती थी साथ में जुड़ना, तो फिर हम साथ में सब जुड़ गए। तो चार यार, एक एक्चुअली चार यार का मतलब है कि जहाँ चार All यार मिल जाए, है ना। और ट्रिपलेट्स का इसका जो राज है, इसके ट्रिपलेट साथ में हुए थे, टोटल बेबीज हैं, लेकिन पाँच हैं इसके। सो ये साथ में, और फिर मंजू का जो बकबक है, ये दिखती नहीं पर बकबक बहुत करती है, तो हमने ये साथ में, हमें लगा कि हमें कुछ साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट लाने के लिए हमें सब चीज़ चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छा मुझे दिल करता है मैं अच्छा ना करूँ, मेरी जो 75 फिल्म्स भी हैं उसमें मैसेजेस भी अच्छे होते हैं, तो मेरा दिल करता है कुछ अच्छी चीज़ आए, तो उम्मीद है हम करेंगे सब साथ मिलकर चलेंगे। कन्फ्यूजन्स थी, कन्फ्यूजन्स इसलिए थी कि ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, और मुझे लगता था कि सीखने को तो चलो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर हम साथ में काम कर सकते हैं तो वाई नॉट, आई मीन। फिर हम एक दिन एक कैफ़े में बैठे थे, जहाँ से ये चार यार शुरू हुआ, और हम कुछ दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे और कॉफ़ी पी रहे थे, तो अगर आप हमारा लोगो भी देखोगे तो उसमें कॉफ़ी मग्स हैं। तो वहीं हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये हम विल इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके जाएंगे इस रिलेशनशिप को, और एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फिर साथ साथ मंजू जी जुड़ गए हमारे साथ, मंजू जी ने हमें फ़ोन किया कि क्यों ना हम सब मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी खोलें, जिसमें हम कुछ नया कंटेंट दे सकें, जो शायद हम चाहते हैं देखना और बनाना। तो अब हम ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, तो होप एवरीथिंग विल गो गुड, थैंक यू। वो बना नहीं रहे हैं, हम इवेंट कर रहे हैं, जो ये मेन वहाँ पे यूके में ये संभाल रहे हैं, लेस्टर में हमारा एक शो है 21st ऑफ जून को, और लंदन में 23rd को। सो सुनील ग्रोवर के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, तो बड़ा अच्छा, तो इसने बोला क्यों नहीं उसको हम वहाँ लेके आए यूके में, तो इसका पूरा शो वहीं पे हम कर रहे हैं, ये यूके में अकेला शायद पहला शो है उनका। हाँ जी, डॉक्टर मशहूर गुलाटीज कॉमेडी क्लिनिक लंदन एंड लेस्टर। ओके, और कुछ लास्टली यू नो अपने एसोसिएशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सबके सब, क्योंकि अंजू जी आपने बहुत कम बोला, आपने भी बहुत कम बोला है, तो कुछ लास्टली एड ऑन करना चाहेंगे। बस हम साथ साथ हैं, साथ साथ चलेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। ये उतना ही बोलती है जिसमें पैसे मिले, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है केबीसी की, तो ये ज्यादा नहीं बोलती। मंजू आप कुछ लास्ट लाइन बोलना चाहेंगे? बस जो सनमी जी ने बोला वही हमारा, हम सब सब साथ 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 चलना है और आगे तक जाना है, और मार्केट में आपको अच्छी चीज देखने को मिलेगी। आप लोगों का साथ भी चाहिए, हमारे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑलरेडी बन रहे हैं, और प्लान ये है कि आपको बार बार बुलाएंगे नेक्स्ट कुछ 6 months में। फर्स्ट जो वेब सीरीज है वो, इसकी डिटेल्स सब कुछ, आई थिंक, और वेब सीरीज जो है वो, जो क्वालिटी बन रही है आप देखोगे बहुत लाइक करोगे, और मतलब मैं ये नहीं कहता कि बॉलीवुड अच्छा नहीं बनाता, बॉलीवुड भी अब बहुत अच्छा हो गया है, ये आपको इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें दिखेंगे बहुत अच्छा, बिकॉज ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो अच्छे खासे उसमें हम बजट लगा के हम कर रहे हैं। जो एक अर्बन पॉपुलेशन आज कंटेंट देखना चाह रही है, एक्टिंग बेस्ड कंटेंट जिसमें मैसेज है, रियल लाइफ इश्यूज को इंक्लूड किया हुआ है, एस्टेब्लिश एक्टर्स हैं, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो पहला थैंक्स तो हमारा अमिताभ बच्चन जी को है, जिन्होंने, जिनके ब्लेसिंग्स भी हैं और इसको बहुत प्यार भी करते हैं, तो हमने बोला कि चलो फिर शुरू हो ही जाए ये चीज़ करके, तो हमने ये शुरू कर दिया। Okay, so all the best up long. Thank you so much. The food is ready. Allow us some time. Thank you so much.